हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी व्लॉग्स बाय करिश्मा एंड आई एम बैक विद अनदर यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे कच्ची कैरी की मीठी और चटपटी सब्ज़ी, जो डेफिनेटली आप सभी के घरों में बनती ही होगी गर्मियों में। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो कच्ची कैरी की सब्ज़ी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि अंबियों को अच्छी तरह से धो के उसको पील करना है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। उसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, पैन जो भी आप यूज़ करना चाहे, उसमें आपको ऑयल डालना है। मैं यूज़ कर रही हूँ राइस ब्रैन ऑयल, फिज़िकली रिफाइंड, और मैं काफ़ी कम ऑयल यूज़ करती हूँ। जब तक पॉसिबल हो आपको भी कम ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें आपको डालनी है एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच मेथी और एक चम्मच कलौंजी। इन तीनों ही मसालों को आपको फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच हल्दी डालूंगी। मैं हल्दी पहले डाल रही हूँ, बाकी सारे मसाले बाद में डालूंगी ताकि हल्दी अच्छे से कुक हो जाए। बाद में हम हल्दी डालते हैं तो कई बार थोड़ी कड़वाहट रह जाती है, पर इस तरीके से अच्छे से कुक हो जाएगी। फिर मैंने इसमें जो कटी हुई अंबियाँ थी वो डाल दी और फिर मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। मैं डाल रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। ज़्यादा नमक नहीं डाल रही हूँ, जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी रेशियो है आपका, जितना भी आप डालते हैं आप उतना नमक डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया ताकि अंबियाँ जले ना। अब हम उसको करेंगे कुक। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया और अब मैं इसको करूँगी कुक। थोड़ा सा कुक करने के बाद, स्टर करने के बाद आपको इसको ढक के रखना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि आपकी सब्ज़ी जले भी ना और अच्छे से कुक भी हो जाए। आपको इसको ढक के रखना है किसी लिड के साथ, या फिर कोई भी आपके पास प्लेट होगी छोटी, उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। 10 मिनट तक मैंने इसे रखा था और 10 मिनट तक रखने के बाद देखो ये अच्छे से कुक हो चुका है, परफेक्टली कुक हुआ है। अब बारी आती है इसमें मीठा ऐड करने की, क्योंकि हम मीठी और चटपटी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो आधा कटोरी के करीब मैंने इसमें शुगर डाल दी है, पाउडर शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इसमें और फिर उसको थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी ताकि शुगर अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। और जब आपको एक मिनट तक इसको अच्छे से स्टर करना है, नीचे लगनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने इसमें शुगर डाल दी है तो ये जल्दी ही नीचे लग जाएगी अगर आप इसको स्टर नहीं करते रहेंगे तो। और आपको इसे मीडियम फ्लेम पे रखना, आप हाई फ्लेम पे मत रखना वरना सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने थे और आपकी डिश तैयार है। बहुत ही यम्मी बनती है ये डिश यार, रियली। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप हर बार आपके घर में बनती है हर बार ये, तो फिर आप किस चीज़ का वेट करें, जाओ बनाओ यार, गर्मियाँ तो आई चुकी। एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।